नमस्कार, आप देख रहे हैं दस सुगम। जी हाँ, पे से 28 सितंबर और गुरुवार, राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8-10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी ताजा खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में खालिस्तानी समर्थकों पर NIA की छापेमारी, 13 जिलों में आधी रात पहुंची टीमें। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में खालिस्तानी समर्थक के यहाँ नेशनल एजेंसी यानी NIA की टीमों ने 50 से अधिक जगहों पर देर रात छापेमारी की है, जो राजस्थान को खालिस्तानी बनाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल खालिस्तान के नक्शे में जो 13 जिले शामिल हैं, उन 13 जिलों में NIA की टीमों ने छापेमारी की है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, CM गहलोत ने किसानों से किया संवाद, किसानों ने सब्जियों की फसलों की MSP लागू करने की मांग। मुख्यमंत्री गहलोत ने सोमू शहर के वीर हनुमान मार्ग स्थित स्टेडियम में किसानों से संवाद किया है। इसी दौरान किसानों ने वो मांग उठाई है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने सब्जियों की फसलों की MSP लागू रखने की मांग की है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, KYC ऐप से मिलेगी उम्मीदवार की पूरी डिटेल, वोट देने को लेकर बड़ी खबर। चुनाव आयोग ने अपडेट करेगा जानकारी, वोटर देख पाएंगे कि किस प्रत्याशी पर कितने मुकदमे हैं। बड़ी अपडेट आ रही है, अगले महीने से राजस्थान में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इन चुनावों में बड़ी संख्या में उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। इनमें से कौन सा उम्मीदवार कितना पढ़ा लिखा है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, अगर है तो कहां कहां किस मामले में किस थाने में रिपोर्ट दर्ज है, पूरी जानकारी एक ऐप के माध्यम से मिलेगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर में चुनावी तैयारियां शुरू, शादियों में परेशानी की संभावना, 3100 से ज्यादा टैक्सियां बस बुक करेगा चुनाव विभाग। अगले महीने से विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। चुनाव के लिए राजधानी जयपुर सहित 19 विधानसभा सीटों पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने 3100 से ज्यादा बसें हायर करने के लिए एक सूची तैयार की है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत के वश में है तो केंद्रीय मंत्रियों के आने पर बैन लगा दें, बाड़ेबंदी उनकी आदत रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत के वश में हो तो केंद्रीय मंत्रियों के राजस्थान आने पर बैन लगा दें, बाड़ेबंदी की तो उन्हें पुरानी आदत बनी है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राजस्थान दौरे को लेकर CM अशोक गहलोत ने सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति बार बार राजस्थान क्यों आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि एक मेहमान राजस्थान में आता है या मेहमान अपने घर पर आता है तो उसे बार बार ये नहीं कह जाता कि आप वापस क्यों आए हो, बार बार क्यों आ रहे हो हमारे घर। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर कहा कि वो बार बार राजस्थान क्यों आ रहे हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान 30% विधायकों के टिकट काटेगी भाजपा, संघ की हरी झंडी मिलते ही जारी होगी सूची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा के बाद भाजपा ने राजस्थान में फोकस बढ़ा दिया है। पार्टी पहली लिस्ट कभी भी जारी जोर तोड़ करने जुटी हुई है और कभी भी जारी कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा आज राजधानी जयपुर में है। पार्टी की भीतर चर्चा है कि इस बार कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। इनकी संख्या भी 30-35% बताई जा रही है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सियार से 5 दिन छुट्टी, कामकाज होगा लंबित, अधिकारी कार्मिक लंबी छुट्टी पर। सितंबर महीने के आखिर और आगामी अक्टूबर के आगाज दो छुट्टियों से की होने वजह से सरकारी कर्मचारियों की एक तरफ तो बल्ले बल्ले हैं, दूसरी ओर अपने जरूरी कामकाज के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने वाले आम लोगों के लिए परेशानी बढ़ चुकी है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, CM अशोक गहलोत के बयान पर गजेंद्र सिंह शेखावत का पलटवार, कहा उनका वश है तो केंद्रीय मंत्रियों के आने पर बैन लगा दें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर जो सवाल खड़े की थी उसको लेकर अब गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आड़े हाथों लिया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अमित शाह और JP नड्डा ने भाजपा नेताओं के साथ की बैठक, दो केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारने की तैयारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने जयपुर में पार्टी की राजस्थान इकाई नेताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा की है। इसी बीच चर्चा है कि भाजपा दो केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। दरअसल भाजपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों को दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों और 4 अन्य सांसदों को जगह दी है। करीब 3 घंटे चली बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, वसुंधरा राजे सिंधिया, राजेंद्र राठौड़, सतीश सोनिया, अरुण सिंह, विजय राठकर, साथ ही राज्यवर्धन सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, बैठक के दौरान प्रदेश भाजपा के नेताओं से फीडबैक लिया गया है।
पार्टी सूत्रों ने बताया है कि केंद्रीय नेताओं अमित शाह और नड्डा ने सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ बैठक की है, जो कि करीबन 15 मिनट तक चली है। इसके बाद दोनों वरिष्ठ नेताओं ने निर्वाचन क्षेत्रों और चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की है। सूत्रों ने कहा है कि बैठक में संदेश दिया गया है कि पार्टी संगठन सर्वोपरि होना चाहिए और सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। पार्टी नेताओं ने कहा है कि बैठक में टिकट वितरण और अन्य चुनावी संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई है। कोर कमेटी की बैठक आज सुबह से जारी है। वही प्रदेश के लिए बड़ी खबर, गहलोत का बागवानों के साथ संवाद, कहा किसानों की जमीन कुर्की रोकने के लिए बनाया कानून। बड़ी खबर आ रही है, सीएम अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर में अब गोदावरी के किसानों से संवाद किया है। इसी दौरान उन्होंने किसानों और पशुपालकों से आह्वान किया कि वे राज्य सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। सीएम गहलोत ने 40,000 रुपए प्रति दुधारू पशु बीमा उपलब्ध कराने वाली कामधेनु पशु बीमा योजना को वरदान साबित किया है। साथ ही लंबी रोग से मृत गायों के लिए 40,000 रुपए का मुआवजा दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा किसानों की जमीन की कुर्की रोकने संबंधित कानून बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले 5 साल में 51 कृषि महाविद्यालय खोले गए हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, रेलवे का देश का पहला टेस्ट ट्रैक राजस्थान में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की तर्ज पर बनेगा। 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेनें। देश में हाई स्पीड ट्रेनों की स्पीड का ट्रायल पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक राजस्थान में बनेगा, वो भी राजस्थान के जोधपुर जिले में। इस ट्रैक का निर्माण उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल में होगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की तर्ज पर नवा सिटी के पास इसे बनाया जा रहा है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।